तो जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्मा के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है, तो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा भगवान के दिए हुए ज्ञान की गहराई के ऊपर मनन चिंतन मंथन नहीं करती। करती है? नहीं करती। इसलिए शास्त्रों में उसका नाम हिमालय रखा गया है। क्या रखा गया? हिम माने बर्फ, आइस, आलय माने घर, आइस का घर, बर्फ का घर। बर्फ जब जम जाती है तो पत्थर जैसी कड़क बन जाती है। तो उसका जो उस आत्मा का जो घर है, दिमाग रूपी घर है, वो क्या हो जाता है? कड़क बर्फ बन जाता है। बर्फ लिक्विड होती है या पत्थर की तरह जाम होती है? जाम होता है। ज्ञान जल बहेगा, लिक्विड है, वही जल बर्फ बन जाएगा, बहेगा नहीं, ज्यों का त्यों पहाड़ के ऊपर रखा रहता है। तो दादा लेखराज वाली आत्मा शास्त्रों में उसका नाम हिमालय रखा गया, हिमवान। वो सार्थक नाम है या निरर्थक नाम है? है सार्थक है, अर्थ सहित है। उस आत्मा ने ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं किया। मनन चिंतन मंथन करने न करने के कारण वो मनु की आत्मा नहीं कही जा सकती। तो जिस आत्मा ने भी मनन चिंतन मंथन का निमित्त मात्र पार्ट बजाया, वो आत्मा भारत के शास्त्रों में सांख्य शास्त्र का प्रणेता मानी गई। कौन है? कपिल मुनि, जिनके नाम पर कांपिल्य नगर बसाया गया। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या, आख्या माने व्याख्या, माना कोई भी बात को व्याख्या के आधार पर विस्तार से समझाना, उसको कहते हैं सांख्य। जो गीता है उसमें श्लोक तो हैं, जिस कवि ने वो श्लोक गाए उसने व्याख्या तो दी नहीं दी है? व्याख्या नहीं दी। ये शूटिंग यहां होती है, शिव बाप ने आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा माता के रूप में, जो गीता माता के रूप में ज्ञान दिया, गीत गाया ज्ञान का, उसका क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बच्चे सालिम बुद्धि नहीं बने थे। क्या? बालिग बुद्धि नहीं बने थे, बौद्धिक स्तर जैसा होना चाहिए वयस्क का, मैच्योर्ड बुद्धि नहीं थी। तो
ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई तो मैच्योर्ड बुद्धि वाला बनेगा कि कभी बनेगा ही नहीं? बनेगा। इसलिए कहते हैं कि संसार रूपी जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आ जाता है। शेर रूपी राजा से जंगल कभी खाली नहीं रहता।